हे दोस्तों, आज का जो ट्रिक है दोस्तों, आज का जो एक ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक की मदद से, जी हाँ दोस्तों, जिस ट्रिक की मदद से आप दोस्तों 50 रुपीज़ करके पर डे आप कमा सकते हैं। दोस्तों गूगल पे का आज भाई मर्चेंट कैसे बनाना है इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपको कोई एजेंट का दोस्तों सहारा नहीं लेना है, आपको मैं बता देता हूँ कैसे आपको क्या करना है और आपका सक्सेसफुली वेरीफाई होगा। इस वीडियो में आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया टेक्निकल कोर्स को, तो सबसे पहले इसे ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों बढ़ते आज अपना ट्रिक किया। तो दोस्तों ट्रिक की ओर बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक्निकल घोष को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ऑल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिए दोस्तों। इससे हमारा जैसे ही लूट ट्रिक रहेगा उसको मिलने रहेगा, ऑनलाइन से रिलेटेड आपको सब कुछ मिलता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद दोस्तों सर्च करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना क्या दोस्तों, का गूगल का बिजनेस। तो सिंपल में दिखा देते कि आपको क्या, तो आपको सर्च करना है दोस्तों गूगल पे बिजनेस ऐप। तो सिंपली इसको आने के बाद दोस्तों गूगल पे का जो बिजनेस ऐप है उसको दोस्तों सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। तो दोस्तों देख सकते हैं ऐप का नाम है गूगल पे फॉर इजी बिजनेस मर्चेंट फॉर सेल। तो सिंपली इसको आपको सबसे पहले तो इसको इंस्टॉल करना है। तो आपको में अगर इंस्टॉल है तो सिंपली इसको ओपन करना है। जैसे मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो जैसे इंस्टॉल हो जाता है इसको आपको ओपन कर देना। जैसे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, आपको भी सिंपली इसको ओपन कर देना है दोस्तों। सिंपली ओपन जैसे करेंगे लोडिंग मोडिंग लेगा, उसके बाद दोस्तों आपको जो भी जीमेल आईडी है इसको सिलेक्ट कर देना है, कोई भी एक जीमेल आईडी, जैसा भी मेरा जो भी एक जीमेल आईडी उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली आपका जो भी जीमेल आईडी है उसको सिंपली आपको दे देना है। तो सिंपली जीमेल आईडी देने के बाद यहाँ पे अलाव अलग कर देना है, अलाव अलग जैसे कीजिएगा आप थोड़ा लोडिंग। तो लोडिंग लेने के बाद इस तरह से कुछ आएगा, बोले ऐड ए बिजनेस। तो सिंपली आपको ऐड ए बिजनेस में एक बार क्लिक कर देना है। बिजनेस में जैसे आप ऐड बिजनेस में क्लिक करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा दोस्तों बिजनेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी बिजनेस नेम है उसको डाल देना, उसके बाद फिर से बिजनेस नेम डाल देना, उसका टाइप ऑफ बिजनेस आपको डालना, उसके बाद दोस्तों मर्चेंट कैटेगरी डालना, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वार्नर नेम रहेगा। तो दोस्तों बिजनेस वार्नर में आपका जो पेन कार्ड में जो जो नाम है, मतलब जो भी जिसका भी आप पेन कार्ड देंगे, मतलब जिसका भी आप पेन कार्ड देंगे दोस्तों, और दोस्तों बता दो पेन कार्ड में जो नाम है, मतलब पेन कार्ड में जिसका भी नाम है, जिसका भी पेन कार्ड आप यूज़ करेंगे उसी का नाम का है दोस्तों बैंक चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों पेमेंट बैंक भी चलेगा, और पेमेंट बैंक कौन सा बैंक नहीं चलेगा, एयरटेल पेमेंट बैंक नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक नहीं चलेगा, बाकी सब बैंक चलेगा, जितना भी बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक छोड़ के बाकी सब बैंक चलेगा, ठीक है। तो सिंपली आपको ऊपर में जो आपका रजिस्ट्रेशन नेम है, मतलब जो भी स्टोर का नेम है, कोई स्टोर का नेम दे देना, उसके बाद शॉप नेम दे देना है, उसके बाद बिजनेस कैटेगरी। तो आपको दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे क्या करना है। सिंपली यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी में आना, कोई भी होलसेल यहाँ पे दे देना है, फिर मर्चेंट कैटेगरी में आना है जो भी आपका है, तो मैं एक जियोग्राफी इससे दे देता हूँ, उसके बाद दोस्तों जो भी जनरल स्टोर में दे देता हूँ, उसके दोस्तों नीचे बिजनेस वार्नर नेम। तो दोस्तों जो इसका भी है, जिसका जिसका नाम से है उसका दोस्तों नाम, जैसे मैं डाल लेता हूँ, तो सिंपली मैं अपना नाम डाल चुका हूँ घोष स्टोर। उसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पे कोई भी एक दे देना, उसको जनरल स्टोर, उसके बाद जो भी आपका पेन कार्ड का नाम है उसको देकर सिंपली आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट में क्लिक कर, तो उसके बाद ऐसा कुछ आएगा, तो सिंपली यहाँ पे आपको फिर से अपना घोष स्टोर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे एज लॉयल्टी यहाँ पे मैं बताता हूँ, उसके बाद सिटी, उसका दोस्तों पिन कोड आपको क्या डालना है मैं बताता हूँ। और दोस्तों इसका जो है जो मैं डालता हूँ वही दोस्तों आपको डालना पड़ेगा, नहीं तो आपको गूगल पे जो है दोस्तों नहीं बनेगा, मतलब गूगल पे का अकाउंट। तो सिंपली 7000, उसके बाद 103, उसके बाद जैसे 3 डालते हैं दोस्तों यहाँ पे 3 एक बार डाल देना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या सर्च करना है, यहाँ पे दोस्तों सर्च करना है वेस्ट बंगाल, देख लीजिए 7001 03। उसके बाद जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ, उसको दोस्तों यहाँ पे डालना वेस्ट बंगाल, उसके बाद सिटी, सिटी में दोस्तों डालना आपको कोलकाता। तो सिंपली नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेना, तो सिंपली यहाँ पे कोलकाता मिल जाएगा, कोलकाता का डाल देना है। उसके बाद दोस्तों एरिया, एरिया आपको आपको दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या डालना है, आर ए रा राम राम आर ए एम डालना है दोस्तों, आर ए एम सी एच आर ए एम सी एच रामचंद्रा सी एच ए एन डी, उसके बाद दोस्तों रामचंद्रा आपको डालना है यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा मैं डाल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे डालना है रामचंद्रपुर कमानीची मोड़, उसके बाद दोस्तों एम ओ आर ई मोड़ डाल देना है। उसके बाद दोस्तों ऊपर में आपको शॉप का जो है डाल देना है कोई भी, तो आपको दिखा देता है यहाँ पे क्या डालना है एस एन। तो दोस्तों आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, या दोस्तों आपका जो भी स्टोर का नाम था वो भी दोस्तों आप डाल सकते हैं। तो सिंपली मैं अपना फिर से डाल देता हूँ, आपको जो मैंने बताया उसी तरह से डालना है। दोस्तों यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, या दोस्तों आपको यहाँ पे मतलब यहाँ लिखा है शॉप नंबर एंड स्ट्रीट नेम, तो आपका शॉप नंबर डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ। तो दोस्तों ऊपर में आपका मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, उसके बाद दोस्तों ऐसा कुछ आएगा कन्फर्म बोलेगा कन्फर्म फॉर मैप, तो सिंपली आपको मैप में यहाँ पे क्लिक करना है। तो उसके बाद लोकेशन आएगा, सिंपली इसको मतलब एकदम स्पीड से आपको कंफर्म कर देना, ये नहीं कि लोकेशन वोकेशन आपको दिखाना। तो सिंपली आप जैसे इस कर देते हैं, सिंपली नेक्स्ट में आपको एक बार क्लिक कर देना है, और उसके बाद दोस्तों ऐसे आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल का रजिस्टर नंबर है उसको डाल देना, जैसे मैं डाल देता हूँ। दोस्तों नंबर डालने के बाद सिंपली आपको एक बार नेक्स्ट कर देना, करने के बाद नंबर में एक ओटीपी आएगा, सिंपली ओटीपी को वेरीफाई कर लेना, जैसे मैं वेरीफाई कर लेता हूँ।
सिंपली ओटीपी देकर आपको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको पिन, तो पिन नंबर डाल देना। उसके बाद दोस्तों पिन को अपलोड कर देना। जैसे मैं अपना पिन नंबर, और दोस्तों यहाँ पे एक अपलोड का आइकन दिख रहा था, सिंपली आपको अपलोड का आइकन में एक बार क्लिक कर देना है। दोस्तों सिंपली अपलोड में कैसे क्लिक करेंगे, आपका दोस्तों यहाँ पे बोलेगा टेक ए फोटो, आप फोटो लेके करेंगे या आपको गैलरी में, तो सिंपली आपको पिन को डाल देना। जब मैं डालता हूँ दोस्तों, सब कुछ आपका डालने के बाद, दोस्तों सिंपली सब कुछ आपका डालने के बाद आपका जो भी ऊपर में है, ऊपर में पिन नंबर डाल देना। उसके बाद अपलोड कर देना फोटो को। जैसे अपलोड कर लेते हैं सिंपली आपको नेक्स्ट में एक बार क्लिक कर देना। जैसे नेक्स्ट में आप क्लिक कर लेते हैं दोस्तों, सिंपली नेक्स्ट में जैसे आप क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा लोडिंग वोडिंग लेगा, आपको थोड़ा यहाँ पे वेट। फिर तो बोले आपका जो है बैंक अकाउंट नंबर देना है। तो दोस्तों आपको जो भी है फिजिकल बैंक देना है, और दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक भी चलेगा, और दोस्तों केवल एयरटेल पेमेंट बैंक नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा। तो सिंपली बैंक का डिटेल्स डाल देता हूँ। तो सिंपली आपका जो है बैंक अकाउंट नंबर डालने है, पेटीएम पेमेंट का डालनी है। उसके बाद दोस्तों फाइंड में आपको एक बार क्लिक कर देते, तो जैसे फाइंड में क्लिक करते हैं आपको थोड़ा लोडिंग वोडिंग लेगा, आपको थोड़ा वेट। उसके बाद दोस्तों आपका एक ऐसा आ जाएगा कि अकाउंट हैज बीन फाउंड इन फॉर ईयर, एंटर आईएफएससी कोड, ऐसा कुछ आएगा, हरा कलर का ऐसा राइट कलर आ जाएगा। दोस्तों सिंपली आपको अब क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट में आपको एक बार क्लिक कर देना। जैसे मैं नेक्स्ट क्लिक, तो जैसे नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल्स आ जाएगा। सिंपली आपको सबमिट में क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे सबमिट करते हैं आपको कुछ इस तरह से आएगा कि दोस्तों आपका अकाउंट जो दोस्तों सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद दोस्तों इस तरह कुछ लोडिंग वोडिंग लेगा, आपको थोड़ा दोस्तों यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे दोस्तों अंडर रिव्यू, तो दोस्तों आपको अब क्या करना है, आपको थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे ऊपर से एक नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों गूगल की तरफ से, तो सिंपली आपको थोड़ा पे वेट कर लेना है। और दोस्तों बता दूँ, जो अकाउंट नंबर आप दिए थे उस अकाउंट नंबर में दोस्तों गूगल ₹1 आपको सेंड करेगा कि दोस्तों आपका अकाउंट जो है दोस्तों एक्टिव है कि नहीं। ये नहीं कि दोस्तों आप किसी का भी अकाउंट नंबर डाल दिए, सिंपली उसमें ₹1 भेजा जाएगा। आपको थोड़ा पे वेट करना है, तो सिंपली मैं थोड़ा देर वेट कर, तो दोस्तों थोड़ी देर वेट करने के बाद दोस्तों आपको लिखा है कि दोस्तों कंप्लीट यू हर द स्क्रेच कार्ड फॉर योर वेरिफिकेशन कोड। दोस्तों उसके बाद बोलेगा यू हर अप्रूव फॉर योर गूगल एक्सेप्ट पेमेंट, तो सिंपली आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपका जो है अप्रूव हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपके और एक ऑफर है, दोस्तों सिंपली और एक बार क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों बोला है कि आपको दोस्तों ₹50 का दोस्तों यहाँ पे मिला गया। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोस्तों आपको जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा अनलॉक फॉर योर कंप्लीट योर वेरिफिकेशन, तो दोस्तों वेरिफिकेशन कैसे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको गूगल फॉर्म को ओपन करना है दोस्तों। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे माई स्टोर का ऑप्शन आएगा, तो माई स्टोर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखाएगा जैसे दोस्तों योर वेरीफाई योर बिजनेस गेट स्टार्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ, तो सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों योर बिजनेस प्रोफाइल लिखा हुआ, तो सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद इस जगह का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है दोस्तों। जैसे मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर यहाँ से बैक आ जाना है। वहाँ पर दोस्तों यहाँ पे और एक रहेगा माई क्यूआर कोड का ऑप्शन, तो फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों और एक ऑप्शन रहेगा माई क्यूआर कोड, तो यहाँ पे भी एक स्क्रीनशॉट ले। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको बैक करना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपको आना है हमारा टेलीग्राम ग्रुप में। दोस्तों इसी ग्रुप मतलब टेलीग्राम में आप अब तक ज्वाइन नहीं हुए तो दोस्तों यहीं पे ज्वाइन मिलेगा। और दोस्तों गूगल फॉर्म का लिंक मैं दोस्तों यूट्यूब में नहीं छोड़ूंगा, केवल यहीं पर छोड़ूंगा। तो सिंपली इस लिंक में आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे लिंक में क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा कुछ इस तरह से पेज में, तो गूगल मर्चेंट फिल फॉर ऐसा कुछ रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो अकाउंट रहेगा दोस्तों जो आप जीमेल डाले थे उस जीमेल को यहाँ से आप चेंज कर लीजिएगा। जो भी आपका जीमेल था उसी जीमेल में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। सिंपली जीमेल जैसे सिलेक्ट करते हैं लोडिंग मोडिंग आप वेट करने के बाद ऊपर में आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जो नंबर से आप बनाए थे मतलब गूगल पे का बिजनेस, तो उसी नंबर को दे देना। उसके बाद दोस्तों आपका जो स्क्रीन शॉट के आपका प्रोफाइल का, उसको दोस्तों यहाँ पे ऐड फिल करके यहाँ पे डाल देना। कैसे डाल देना मैं दिखाता हूँ। उसके बाद ऐसा कुछ आएगा जैसे करके सिलेक्ट फ्रॉम योर डिवाइस, इस तरह को बोलेगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे चूज फ्रॉम योर यहाँ पे क्लिक करना है, चूज फ्रॉम योर ब्राउजर में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको गैलरी, दोस्तों एम आई के डिवाइस में 2-3 बार करना पड़ता है, तो सिंपली आपको यहाँ पे कर देना है अगर एम आई के अगर डिवाइस है तो। दोस्तों एक बार जैसे करेंगे तो फिर से आपको गैलरी शो करेगा, सिंपली गैलरी फिर से देना है, का अपलोड में क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको याद रहे जो दोस्तों आप कर रहे हैं उसी को, मतलब ये नहीं कि दोस्तों अलग उल्टा फुलटा कर दिए कि इसके जहाँ प्रोफाइल बोले वहाँ पर दोस्तों आप क्यूआर कोड का स्कैन को अपलोड कर दिए। यहाँ पर दोस्तों आपको हो गया प्रोफाइल, अब दोस्तों आप क्यूआर कोड का, तो सिंपली आपको जो क्यूआर कोड है अब उसको सिलेक्ट करना है। सिंपली फिर से आपको वही प्रोसेस को दोहराना है, तो फिर से गैलरी में ले आएगा। देता हूँ you.
तो दोस्तों एडिट नहीं किया, एडिट अगर मतलब बिग साइज का रहेगा तो दोस्तों लिखेगा मैक्सिमम फाइल साइज एक्सिस, तो सिंपली आपको फिर से एक बार अपलोड कर देना है। तो जैसे मैं कर देता हूँ दोस्तों, इस बार जैसे अपलोड करेंगे आपको दोस्तों सिंपली अपलोड हो जाएंगे, क्योंकि आपको फोटो को थोड़ा छोटा करना पड़ा था। सिंपली मैं अपलोड कर देता हूँ, अपलोड हो चुका। उसका दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, आपका बैंक अकाउंट नंबर और दोस्तों आईएफएससी कोड। तो सिंपली आपका अकाउंट नंबर डाल देना है दोस्तों, यहाँ पे डालना ए सी, उसके बाद दोस्तों अकाउंट नंबर है यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे करना है, यहाँ पे दोस्तों आपका अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद दोस्तों आईएफएससी कोड। तो सिंपली यहाँ पे डालना है आई, उसके बाद दोस्तों डालना है कैपिटल में सिर्फ एफ एस सी कोड। तो सिंपली आईएफएससी, उसके बाद दोस्तों आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे लिख के यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैं डाल देता हूँ तो दोस्तों आपको सब कुछ यहाँ पे ऊपर में कॉन्टैक्ट नंबर देना है, नीचे में आपका दोस्तों क्यूआर कोड का ये सब दे देना है। उसके बाद दोस्तों बैंक अकाउंट का डिटेल्स डाल देना, जो भी आपका बैंक अकाउंट है। तो सिंपली सब कुछ डालने के बाद आपको नीचे में एक सबमिट का बटन आएगा, तो सिंपली इस सबमिट में आपको एक बार क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट में क्लिक करते हैं दोस्तों लोडिंग वोडिंग लेगा, आपको थोड़ा यहाँ पे वेट करना। और दोस्तों याद रहे यहाँ पे दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक को छोड़कर बाकी सब बैंक काम करेगा। तो सिंपली यहाँ पे सबमिट आपको कर देना है, 48 आवर्स के अंदर आपको दोस्तों कॉल करेगा। और दोस्तों बता दो, इसमें आपको कोई भी पैसा पे भी नहीं करना है, यहाँ दोस्तों आपको कोई भी दूसरा कुछ भी नहीं आपको बताना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये सब के लिए सिंपली आपको एक कॉन्टैक्ट करेगा, उसके बाद बोलेगा कि आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो चुका है। आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड फोनलोड करने बोलेगा तो दोस्तों उस सब आप नहीं कीजिएगा, आपको केवल बोलेगा कि फ़ोन करके आपका जो है ये सब हो चुका है। अगर ज़्यादा कुछ होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, यही था आज का ट्रिक। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे नए एक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माय वीडियो।